hello students good morning everyone my name is satyavir singh and i am speaking here and today i will teach you physics and chapter number third that is electric potential okay electric potential is very very important topics for you guys because in this topics in the exam we use so many questions will come okay so it's a very basic topic so i am telling you okay about this आर्टिकल सो इन दिस आर्टिकल वी विल स्टडी। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस व्हाट आई टोल्ड यू द पोटेंशियल तो मतलब विभव क्या होता है विभव क्या होता है का मात्रा क्या होता है और उसके बारे में बताया था मैंने आज एक मैं छोटा सा आर्टिकल बताने जा रहा हूं जिसे आपको मैंने बताया था पहले कि की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था किसी एक बिंदु के कारण और वैद्युत विभव के वैद्युत द्वी ध्रुव के कारण तो बच्चे इस बात को आप ठीक से सुन लीजिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी मैंने एक बिंदु आवेश के कारण वैसे ही यहाँ निकलेगा विभव ठीक है विभव भी निकलेगा एक बिंदु आवेश के कारण और जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी दूध्रुप के द्वारा वैद्युत दूध्रुप के द्वारा बता देना मैंने तुम्हें वैद्युत दूध्रुव जिसके दो ध्रुव होते हैं और दोनों पे क्या होता है आवेश विपरीत प्रकृति का होता है समान और विपरीत प्रकृति का मतलब आवेश समान होता है तो उसमें अक्षय और निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की गई थी राइट अब मैं उसी बात को बताता हूं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा बच्चों पहले कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत च... विभव कैसे ज्ञात करते हैं तो ये ये क्या विभव एक बिंदु आवेश के कारण तो एक बिंदु आवेश मान लिया मैंने ये वाला प्लस क्यू आवेश मान लिया और ये बिंदु है जहां पर ज्ञात करना है यह बिंदु पी पता होना चाहिए कि जिसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पता होता है हमें कहा निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वैसे ही और बच्चों इसमें एक बात और बता दू पहले मैं आपको इसमें बताने की बात यह है कि वैद्युत विभव एक क्या ऐदिस राशि है ऐधिस राशि होने के कारण मतलब कि इसमें केवल परिमाण होता है केवल इसका मान होता है दिशा नहीं होती है और जब दिशा नहीं होती है तो इसको हम जैसे हम गणित में दो और तीन कितने पांच होते हैं है। टू प्लस थ्री टू फाइव फोर प्लस, प्लस, प्लस फाइव इक्वल टू नाइन मतलब कुछ भी जोड़ देते हैं सिंपल ही एकदम है ना तो उसे कहते हैं जोड़ एदिस योग कहते हैं उसे लेकिन जहां पे कोण आते हैं डायरेक्शन देखी जाती है वहां पर क्या होता है बच्चों वहां पर भैया उसका जोड़ तुम अध्यारोपण के सिद्धांत से करते हो ठीक है बीज गणित के बीच गणित गड़, के नियमों से नहीं कर सकते हम ठीक है बीच गणित के नियमों से बिल्कुल अगर हम करेंगे तो गलत हो जाएगा सवाल हमारा राइट तो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह आर्टिकल बहुत आसान है तो ध्यान रखना मैं यहां पे पहले एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव बताऊंगा उसके बाद क्या बताऊंगा उसके बाद दो आर्टिकल आएंगे वैद्युत विभव किसके कारण वैद्युत दूध्रुव के कारण द्वी में क्या कंडीशन होती है दो कंडीशन होती है एक तो अक्षय स्थिति पर मतलब सीधा एक लाइन खींचो उसके मध्य बिंदु से और सीधी अक्ष पर और एक बार निकालते हैं निरक्ष स्थिति पर निरक्ष का मतलब ऊपर लंबवत और अक्ष का मतलब सीधे सामने ठीक है जैसे हम सो जाते हैं वह हो गया स्थिति अक्ष पर ऑन द दक्षिस और जब हम हम खड़े हो जाते हैं तो वो क्यों क्या हो गया वर्टिकली उर्द्वर ठीक है तो एक बार तो निकालेंगे हम क्या होर्जोनटल मतलब सीधी लाइन में और एक बार निकालेंगे वर्टिकली ऊपर तो उसे कहते हैं अक्षय निरक्ष के कारण तो पहले इस बात को समझ लेते हैं इस बात को मैंने बता दिया बच्चों देखो थ्योरी लिखना बहुत आसान होता है केवल मैटर समझ लीजिए तो ये क्या है? मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है विभव एक बिंदु आवेश के कारण वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो यहाँ पे क्या एक बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश से स्मॉल मोलार दूरी पर देखो थ्योरी लिखना ऐसी है अगर चित्र बनाना सीख गया आर्टिकल आ गया करना तो थ्योरी आप लिख दोगे कैसे माना एक बिंदु आवेश बिंदु आवेश क्यों? क्योंकि बिंदु पर रखा है एक, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है और इस इस आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है और अब तुम्हें पता है कि वैद्युत विभव क्या होता है वैद्युत विभव वो होता है जब किसी एकांक आवेश को एकांक देखो एकांक आवेश एकांक और ये क्या एकांक का मतलब एक है और ये क्या धनावेश जब किसी एकांक एकांक को हैं यूनिट जब किसी एकांक आवेश को इनफिनिटिव से ये क्या होता? होता है अनंत होता है अनंत एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जितना कार्य करना पड़ता है मतलब सिंपल बोल दीजिए अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे कहते हैं हम कहते हैं सिंपली बर्क क्या है कार्य है oh, uh, जो तुम्हारा बर्क डन है, है वो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही हम करना चाह रहे हैं तो रखा है ठीक है अब यहां पे रखा हुआ देखो इसके बाद में क्या करेंगे यहां क्यों आवेश बिंदु पर स्थित है इन्फिनेटी पर एक स्थित है अब मैं यहां को ला रहा हूं इसे इधर को इधर ला रहे हैं हम इस आवेश को देखो ये डायरेक्शन दिखा दी मैंने इसकी कि प्लस क्यू प्लस वन कोलाम ओर अब चूंकि ये ये क्या प्लस प्लस आवेश आवेश है है अब ये क्यू है, तो इनमें बल कौन सा लगेगा बल देखो ये जो बल लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंटेंसिटी की पता है यहाँ से प्लस दूर होती है खैर ये दिखा दिया मैंने ऐसी दिखाने की जरूरत नहीं थी कुछ भी चलो छोड़ो उस बात को अब यहां से ला रहे तो पहले मैं एक काम करता हूं तो हम यहां से लाड़ तो ये थोड़ा सा छोटी दूरी मान लेते हैं बच्चों क्योंकि ये बहुत बड़ी दूरी है इन्फिनेट वे और इन्फिनेट का मतलब दिक्कत हो जाएगी हमें तो पहले इतनी दूरी मान ले रहे कि भैया यहां से लेकर और हम इसे यहां लेके आ रहे हैं डी दूरी एलिमेंट मान लिया छोटा एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट मान लिया एलिमेंट का मतलब दूरी ठीक है अभी अब छोटा अभी अब यहाँ क्यू आवेश बिंदु ओपर स्थित है बस ये निकाला है एफ बराबर बन एफर पाइव ये कुल कुल गुलाम का नियम लगा देने कुलांग कुलांग लगा रहे हैं और और कि बन, मतलब कि, बन पे नोट क्यू क्यू नोट ये होता है ना क्यू ये और इसे यहां रख दें हम इसे क्यू क्यू नोट को यहां ले आएंगे पे? यहां। यहां पे ले आएंगे दूरी पर तो इसका मतलब क्या अपन एक्स स्क्वे म का नियम लगाया क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क आर की जगह रखेंगे एक्स क्योंकि X माना हमने ये वाली दूरी क्योंकि हम यहां से लेकर मैंने यहां तक माने ना इसे यहां तक तो ये क्या हो गया एक्स इस बात को ध्यान दीजिए हम बड़े अच्छे से तब क्या गया कार्य का मान क्या होगा देखो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन कार्य बराबर कितना होता है बल गुणा विस्थापन विस्थापन डी भी लिख सकते हो या शिफ्ट लिख सकते हो ठीक है अब चूंकि ये क्या हो रहा है जैसे इस आवेश को इधर को लेके आ रहे हैं तो ये आवेश को लाने में एक बल लग रहा और जो बल इसे फेंक रहा है इधर को कि भाई तू जा तू जा तू जा क्यों क्योंकि प्लस का है बिंदु पे, पेपर निकाल लें तो प्लस से डायरेक्शन क्या होगी इधर को इधर को होगी तो जैसे हम इस आवेश को ला रहे हैं तो कार्य करना पड़ रहा है लेकिन किसके विरुद्ध करना पड़ रहा है इस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो इसको हटा रहा है कह रहा है कि तू जा इनफिनेटिव पे जा लेकिन हम फिर भी ला रहे हैं तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे उसे निगेटिव कर रहे हैं तो ये देखो तो ये क्या हो गया यहां पे हम यहां पे डिस्टेंस जो ये ले लेंगे डिस्टेंस लेंगे निगेटिव ठीक है dx तो बस ये हो गया फार्मूला ये हो गया अब ये लिमिट को लगाई मैंने क्योंकि मुझे इन्फिनेटिव से लेना है ठीक है इन्फिनेटिव से लेना है तो मैंने इन्फिनेटिव से ले लिया से? से कर, से ले कहां से r से लेकर वो सॉरी इन्फिनेटिव से लेकर कहाँ गए हम r तक यहां जाना ना हमें तो ये यहां यहां जाना बिंदु पर जाना ना इस पे इस इसको लेकर आना तो डिस्टेंस कितनी कहां से कहां तक आए हम यहां से लेकर यहां तक आए आर तक तो ये क्या हो गया आर तक ठीक है माइनस इन्फिनेट से लेकर आर तक और ध्यान रखना है माइनस का मतलब कार्य घट रहा है कार्य घट रहा है क्यों घट रहा है कार्य क्योंकि हम विरुद्ध कार्य मतलब करना पड़ रहा है एफ इंटू डी एक्स एस क्या डीएक्स है माइनस और ये इनफिनिट सोआर अपॉन फोर पे नोट गुणा क्यूं नोट ये वैल्यू रख दी मैंने और दी ये अब ये डीएक्स के साथलन होगा बच्चों तो यहाँ पे जो चीजें फालतू तो की है इनको बाहर तो ये मैंने निकाली ऐसे। ये बाहर निकाल ली फोन बा, एक्सो स्क्वायर अब इसको एक काम करो ऊपर ले गए लेके पावर क्या होगी माइनस जब कोई नीचे होता है ऊपर तो पावर उसकी माइनस हो जाती है जैसे कि ये प्लस की दो है ऊपर लेकर आ रहे इसे अंश में तो ये निगेटिव की गई अब यहां से एक फॉर्मूला होता है बच्चों की पावर एन का समाकलन का क्या होता है कि जो पावर होती है उसमें वो बन जोड़ देते हैं एन प्लस वन और अपन कितना एन प्लस वन ये जोड़ दिया ये फॉर्मूला होता है ध्यान रखना तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या एक्सी है एन की जगह क्या माइनस टू है तो इसका अपकलन वो समाकलन करना बच्चों समाकलन निशान होता है तो क्या जोड़ेंगे एक जोड़ते हैं और जो पावर में आता है वही नीचे रख देते हैं तो ये मैंने माइनस टू प्लस वन अपन माइनस टू प्लस वन और ये जैसी हुआ बड़े ब्रैकेट लगाते हैं लिमिट को यहाँ लगा देते हैं और एक काम किया मैंने अब ये कर दिया इतना अब इसका आप इसके बाद को समझ लेना ठीक है डब्ल्यूजल टू क्योंकि न्यूट बाहर चल रहा है और देखो एक माइनस तो ये आ गया एक माइनस नीचे हाथ एक माइनस ये तो ये क्या होगा तुम्हारे ये कट गए प्लस हो गए अब यहाँ पे आ जाओ ऊपर तो ये प्लस हो गया मैंने प्लस पर यह बना दिया अब बस पहले रखते हैं ऊपर की लिमिट एक्स की जगह रख दी बनापोन आर फिर रखते हैं नीचे की लिमिट तो बनापोन इन्फिनेटिव ऊपर की लिमिट रखो पहले और माइनस लगा के नीचे की लिमिट रख दी रख दिए बस ये काम फिन हो गया अब जिसके अपोन में इन्फिनेटिव होता है देखो किसी के अपोन में अगर इन इन इन्फिनेटिव आ गया अगर कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर इन्फिनेटिव है कोई भी देश अगर उसके नीचे इन्फिनेटिव रख देगा वो जीरो कर देगा उसे ध्यान रखना तो ये एक नंबर है कोई भी कोई भी नंबर हो चाहे इन्फिनेटिव कुछ नहीं मानता बस बटे में क्या होना चाहिए इन्फिनेटी होना चाहिए वो जीरो कर देता है तो जी आपकी आप इनफिनिटी है जीरो जीरो कर दिया अभी क्या बचा बना पुनः तो ये बर्क डन निकाल लिया हमने ये निकाल लिया बर्क डन अब फार्मूला क्या होता है अभी आपका ये वाला फॉर्म होता है बिजिकल टू डबल नोट क्यू अब बस इसे मैंने ऐसे लिख लिया बनापोन क्यू ऐसे लिख लिया और डबल ऐसे लिख दिया बात तो वही है क्योंकि अब ठीक से रखा जाएगा बनापोन क्यू नोट ऐसे क्यों क्योंकि देखो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया ऐसे क्या फर्क पड़ रहा है कुछ भी नहीं डब्लू का मान मानिया रख दिया जो निकल का अभी और बस ऐसे क्यू नोट से क्यू नोट से क्यू नोट कट गया मतलब क्यू जूरो से क्यू जुरो अरे मैंने आपको बताया भी था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है बनप वन फोर पे ऑफ सारी नोट अबूढ़ा कितनी होती है क्यूँ बटे यार स्क्वायर स्क्वायर हटा दो का सूत्र बन जाएगा याद करने का तारीख तो हो गया तुम्हें याद ठीक है जो तरीका बताया था मैंने याद करने का कि भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ स्क्वायर होता है यहां होता है ई बस उसे स्क्वायर को हटाओ और यहां पे ई लिख दो और बस वो बी लिख दो और काम खत्म अब देखो वेरिएशन होता है बच्चों वेरिएशन जानते हैं आप क्या होता होता है है वेरिएशन का मतलब बदलाव बदलाव तो बदलाव इन पोटेंशियल मतलब विभव और डिस्टेंस जो तुम्हारी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस में पोटेंशियल में रिलेशन बताना चाह रहा है कुछ तो मतलब मैंने इसको डिस्टेंस को लिया और पोटेंशियल को लिया विभव को लिया अब मैं इनमें रिलेशन निकालू बताओ कौन सा रिलेशन है अब इन चीजों को सबको काट दो क्या बचा बताओ जब काट दूंगा भगा दूंगा इन्हें तो क्या बचेगा बी तो भाई सब इधर ही है राइट अब यहां पे जो काटा वहां लगा दो जितने चीजें खत्म करिए आपने ये यहां लगा दो प्रोपोर्शनल का साइन और ये क्या लग गया यहाँ पे ये यह अपोन में क्या बचा आर तो ये क्या जो विभव है वो दूरी है क्या है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मतलब कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्युतक्रम अनुपाति मतलब है कि अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा मतलब व्यवतीकरण पाती आपको बताया था मैंने कि दो दो रिलेशन होते हैं एक तो होता है डायरेक्ट का डायरेक्ट में क्या होता है कि कोई चीज बढ़ती है तो बढ़ती है घटती तो घटती है उसमें सामने लिखा होता है बिल्कुल यहां का लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ तो जब नीचे लिखा होता है फोन में तो वो क्या होता है इनडायरेक्ट व्यूतकर्ण पाती तो उसमें क्या एक चीज घटती है तो दूसरी चीज बढ़ती है और एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है मतलब उल्टा होता है तो उल्टा ही यहां पर देखो मैंने ग्राफ बनाया कि ये वाला ये कौन सी एक्सिस है एक्स एक एक्स है और बी के बीच में संबंध बता रहा हूं मैं दूरी को लिया मैंने एक्स एक्स पे मूल बिंदु है दूरी को लिया मैंने एक्स एक्स पे और बाई एक्स पे लिया मैंने विभव को तो जब ले लिया इसको मैंने ठीक है समझ तरह ना आप बात जब ले लिया यहां पे तो जैसे मैंने बताया तुम्हें जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी दूरी को मैं लेके बढ़ाता हूं ऐसे क्योंकि एक दो तीन दूरी बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही है तो वैसे ही विहप क्या होगा घटेगा क्योंकि आप दूरी बढ़ा रहे हो तो भैय क्या होगा घटेगा तो ये भैय भी भाई साहब ऊपर थे ये और ऐसे घटते 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 कम होते जा रहे हैं तो ये ग्राफ का इनका वेरिएशन हो गया पता लग गया आपको तो ये ग्राफ ये बता रहा है ऐसे कि भैया ऊपर से नीचे को आ रहा मतलब ग्राफ का मतलब क्या होता है अगर अगर देखो ऐसे जाए ऊपर कोई ऐसा ऐसे वो है अगर ऐसे जाए ऐसे जाए उठ के तो वृद्धि होगी और ऊपर से आए नीचु का ऐसे तो कमी होगी ठीक है ध्यान रखना इस बात का तो ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा मुझे होप है अब एक काम करते हैं मैंने जैसे जि, तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड है बस वो क्या है सदिश राशि है उसको जोड़ने के लिए अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग किया था ठीक है उसमें ज्यादा हेडक थी इसमें हेडक नहीं है अब देखो क्या है? आवेशों के निकाय के कारण मतलब ड्यू टू मैनी चार्जेस मतलब कि के निकाय, निकाय का मतलब होता बहुत सारे आवेश सिस्टम में तो आवेशों के निकाय के कारण ओके आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना ड्यू टू मैनी चार्जेस मतलब हमें विभव विभव ज्ञात करना बहुत सारे आवेशों के कारण तो मैंने एक काम करा ये बिंदु पी मार लिया अब इस पर हमें कुल विभव निकालना है किन के कारण ये बिंदु मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच जी तक और ये पूरा एक निकाय है पूरा क्या है कंप्लीट एक सिस्टम है बच्चों सिस्टम पूरा है एक बिंदु पी है ये सारे बिंदु है और बिंदु पी पर हमें कुल निकालना है फाइंड करना है ठीक है ध्यान रखना फाइंड, फाइंड करना है क्या निकालना इन आवेशों द्वारा तो बिंदु ए पर क्या आवेश क्यू वन है बिंदु बी, बी पर क्या क्यू टू है सी पे क्या माइनस क्यू थ्री है डी पे क्या क्यू फोर है फाइव सिक्स सेवन ठीक है सात आवेश है पे सात आवेशों के कारण सातों आवेशों के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है ठीक है तो इनकी बिंदु देखो जिस आवेश से निकालना जिस जिस बिंदु पर तो वहां तक की दूरी पता होनी चाहिए क्या है बिंदु आवेश Q1 से P तक की डिस्टेंस कितनी है R1 इसके R2 इसके R3 इसके R4 इसके R5 इसके R6 इसके R7 ठीक है अब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम क्योंकि हमने देखो यहां पे बहुत सारे बिंदु आवेश हमने क्या निकाला पीछे अभी एक बिंदु आवेश के कारण सूत्र क्या होता है V बराबर बलपोन फोर पैप्स नोट गुना क्यूबे पता है ना अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो निकल जाएगा पहले इसका निकालेंगे इतने 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 में निकालेंगे, फिर इतने में में फिर फिर निकालेंगे सब कुछ जोड़ देंगे तो पी का निकल का जाए। क्योंकि P निकाल कर हर आवेश से बिंदु पी पर निकाल रहे हैं तो बिंदु ए का ए का पी पर विद्युत विभव तो यहां लिख दो तो बी है इसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ ए पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए बराबर बना पोर्ट फोर पे नोट गुड़ा क्यू देखो क्या क्यू है क्यूबन और देखो सूत्र ये लगा रहा हूं मैं बस ए पे निकाला तो बी ए लिख दिया और बाकी ये तो ये तो, ये तो कोस्टेंट रहता है सब में और क्यू? क्यू क्यू किस से निकाल ल्यूबन से निकालने तो क्या क्यू क्यूबन और दूरी क्या ये मांग रहा दूरी हार मांग रहा तो हार कितनी है हर है तो रख दी मैं नॉर्मल ऐसे ही बी पे निकाला क्यू टू बटे टू अब देखो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते तो वहां पर चिन्ह सहित नहीं लेते देखिए तो यहां पर चिन्ह लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या करिए माइनस का तो माइनस सहित रखा जाएगा ठीक है बस ये निकालते गए निकालते गए सातों पर निकाल लिया सब बी जी तक निकाल लिया बच्चों ठीक है अब जब निकाल लिया ऐसे अब इस बिंदु पे देखो क्यू वन के द्वारा भी बिंदु पी पर निकाल लिया क्यू टू के द्वारा भी बिंदु पे पर निकाल लिया क्यू थ्री के द्वारा भी बिंदु पे पर निकाल लिया क्यूँ फोर सबको निकाल लिया अब बिंदु पे पर हमें निकालना टोटल विभव तो मैंने बताया था वैद्युत विभव एक अदिश राशि है और राशि होने कारण इसको बीज बीज रूप रूप के रूप बीज योग के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है अगर ये सदिश राशि होती तो बीज गणितीय योग काम नहीं करता वहां पे सदिश योग काम करता सदिश और सदिश योग और बीज गणितीय योग में बहुत अंतर है ठीक है तो जो हम नॉर्मल यूज करते हैं ये कौन सा योग है यह है बीज गणितीय योग मतलब अल्जैबरिक समेशन ठीक है अब यहां पे मैं जोड़ रहा हूं मैंने सात रुपए निकाल लिए, आपको पता लग गया होगा सात रुपए निकाल करके मैंने बस इन्हें ऐड करा बिंदु पर अब अब एक काम करा मैंने बिंदु पर बिंदु पर परिलाी कुल विभव ठीक है तो बस बीपी बराबर क्या बी ए बी 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 सी बी डी बी जी तक जोड़ दिया और बस सब में कॉमन क्या बताओ देखो तुम देख रहे हो यहाँ पे सब में कॉमन क्या है नोट कॉमन है यहां भी कॉमन है ये भी कॉमन है सब में सब में कॉमन है इनमें तो उसको बहाल ले लिया पहले मैंने क्योंकि जोड़ तो रहे बहाल ले लो क्यू बन बैठे आर वन प्लस क्यू टू आर थ्री आर टू क्यू थ्री माइनस से क्यों लिया क्योंकि ये जो आवेश था ये माइनस का था और मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के लिए माइनस साइन नहीं लेते हैं क्योंकि वहां पर डायरेक्शन होती है लेकिन विभव के लिए डायरेक्शन विभव के लिए चिन्ह सहित वैल्यू रखते हैं आवेश की बस ये जोड़ा और रख दिया मैंने कर दिया ठीक है अब देखो इफ एक एक मैंने केस लगाया यहां पे केस केस के लगाया, N N का लगाया इफ देयर विल बी एन चार्जेस एन का मतलब अब कितने चार्ज है यहां पे सात आवेश है Q1 से लेकर क्यू सेवन तक सात आवेश लेकिन अब मैंने कितने माने यदि मान लो यदि इस सिस्टम में पूरे कितना आवेश हो अगर एन आवेश हो तो इस पूरे सिस्टम में निकाय में निकाय का मतलब अच्छा होता सिस्टम इस पूरे निकाय में अगर मतलब स्मॉल एन आवेश हो स्मॉल एन आवेश हो जैसे ये लिखा मैंने यहाँ पे स्मॉल एन आवेश हो एन चार्जेस हो तो क्या होगा तो कुछ नहीं होगा बी फिजिकल टू कितनाट

इनका मतलब है कोई भी आप हो सकता किसी भी नंबर का तो बच्चों में समझता हूं कि आपको ये समझ में होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स आ इन इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड राइट द कमेंट बिलो थैंक्स अ गुड डे अहेड